अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरोज लाइफस्टाइल। तो जी मैं गई थी रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैंने खाए थे ये चिकन डायनामाइट, तो मुझे इतने ही मज़े के लगे ये, और इसकी प्रेजेंटेशन इज़ अमेजिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। ये तो ली थी मैंने 600 की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया, क्योंकि मेरी आदत है कोई अच्छी चीज़ खाऊँ तो उसे ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो मैंने ले ली थी चिकन, तो ये जो है बोनलेस चिकन ली थी मैंने, वन के जी। तो इसके इस तरह जो है छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं अपने। और ये चिकन बाइट डायनामाइट जब से मैंने खाए थे, मैंने सोच लिया था भाई मुझे तो इसको बनाना ही बनाना है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन बोनलेस थी, इसमें मैंने डाली है वन टेबल स्पून जो है काली मिर्च पाउडर। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो है नमक डाल सकते हैं। मैंने जो है 1/2 स्पून नमक डाला है, और उसमें कुटी मिर्चें शामिल कर दी हैं। थोड़े इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें शामिल करा है चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून। इसमें मैं शामिल करूँगी चिल्ली सॉस, और 1/2 टेबल स्पून अब इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस। इससे टेस्ट बहुत ही लजीज हो जाता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और फिर इसमें साथ ही मैं शामिल करूंगी अंडा, अच्छे से जो है फेंट के आपने इसमें जो है अंडा शामिल कर देना है। और ये मेरी प्यारी सी बिल्ली रेसिपी को बहुत इंजॉय करी थी, क्योंकि चिकन जो बन रहा था इनका फेवरेट। तो इसमें अच्छे से हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देख रही थी कुछ हमें भी मिल जाए चिकन जो इनका फेवरेट है। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप जो है आटा। आप जो भी आटा इस्तेमाल करते हैं घर में, वो आप आटा इसमें से शामिल कर दें, और इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लें। जो भी आप आटा इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए, आप वो 1 कप जो है आटा इसमें जो है शामिल कर देना है, और अच्छे से जो है इसका पेस्ट बनाना है। उस पर फिर मैंने इसमें शामिल करा है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। और साथ में ये है चिकन पाउडर फ्लेवर, इसमें जो है अगर आप इसमें शामिल करते हैं चिकन पाउडर फ्लेवर, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट हो जाता है चिकन पाउडर से। और इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर मैंने जो है 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करा है, कॉर्नफ्लोर शामिल करा है 1 टेबल स्पून। और जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है चिकन पाउडर ऐड करा है, ताकि जो है इसका टेस्ट बहुत जो है मज़े का लगे। चिकन पाउडर से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है इसका। अब अच्छे से जो है आपने इसको मैरिनेट कर लेना है, मैरिनेट करके आपने जो है इसे रख लेना है और अच्छे से 1 आवर के लिए। मैंने जो मैरिनेट करके रख दिया है फ्रिज में, अब मैं जो है इसकी जो है चटनी बनाऊंगी। चटनी बनाने के लिए मैंने जो है चिल्ली गार्लिक चिल्ली ली है, केचप, और जो है शामिल करा है मायनीज़ मैंने जो है 2 टेबल स्पून मायनीज़ सेट करी है, साथ में केचप, सोया सॉस, चिली सॉस शामिल करूँगी इसमें, और इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और बिल्कुल चुटकी भर जो है नमक, और उसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। हमने जो है चिकन मैरिनेट करके अलग से रख दिया है 1 आवर के लिए। इसके बाद जो है इसकी अलग से जो है एक चटनी बनती है, जो है इसको जब चिकन रेडी हो जाता है तो इसमें शामिल किया जाता है। तो जो है चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी। अब जो है 1 आवर हो गया था, तो हमने जो है फ्रीज की हुई चिकन जो है अब इसे डीप फ्राई करेंगे। और ये याद रखें कि आपकी जो है फ्लेम लो टू मीडियम हो। और ये हमारी बिल्ली 1 आई कैट, इनकी मज़े की चिकन बनती है। जहाँ चिकन बन रहा हो तो उनको इतनी अच्छी स्मेल आ जाती है कि बैठे वेट कर रहे थे कि हमें भी कुछ जो है मिल जाए। तो ये हमारी चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गई थी, फ्राई हो गई थी, और देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब जो है जो चिकन हमारी रेडी हो गई है, जो हमने इसकी चटनी बनाई थी जो फ्लेवर्स का बढ़ाने के लिए, तो इसमें जो है तमाम चिकन हम जो है इसमें शामिल कर देंगे, और इससे बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट आता है जब आप चिकन फ्राई की हुई इसमें जो है चटनी के साथ आप शामिल करते हैं, उनको एक अच्छी सी सॉस बन जाती है ये आपकी। और जब सॉस में शामिल करके अच्छे से जो है आपने प्रेजेंट करना है।
अब हमें जो है सलाद पत्ता रखना है। सलाद पत्ता रखें तो डेकोरेट बहुत ज़बरदस्त लगता है। इस तरह जो हमने तमाम बोटियाँ जो है इसमें शामिल कर दी। होप सो आपको ये मज़े की डायनामाइट चिकन पसंद आई होगी। मैं तो खाने में इतनी पसंद आई थी, रेस्टोरेंट जैसा रेस्टोरेंट में जब मैंने खाई थी तो घर आके मैंने फौरन जो है इसे ट्राई करा और बहुत ही मज़ेदार बनी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल, रेस्टोरेंट जैसा जो है बिल्कुल उसका टेस्ट था। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में जो है ये रेडी हो जाता है। आपके घर में तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप जब आप बाहर से खाते हैं तो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मैंने जो है 700 तक की है, 600-700 की है चिकन बाइट्स मिलती है, और 600-700 में आप अच्छी खासी क्वांटिटी में घर में बना सकते हैं। और बिल्कुल घर में रखी हुई जो है जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होती हैं आपकी, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, इसमें कोई अलग से कोई चीज़ शामिल नहीं करी है, लेकिन इसका स्टाइल और इसका जो टेस्ट है बहुत ही लजीज जो है बन के रेडी होता है। ये खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है इसका। होप्स आपको ये रेसिपी पसंद है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।